आइलो टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर शाद खाना एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे LLB जो 3 ईयर्स का कोर्स है उसके सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ का पेपर है जो मई जून 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अगर आप पेपर को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 100 के हैं और टाइम आपको पता ही है कि 3 घंटे का है। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो एक समान हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदू विधि की परिभाषा दीजिए, हिंदू विधि के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक को क्या शक्तियां प्राप्त हैं उसके बारे में आपको बताना है। जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का, उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षण यानी कि उसके नेचुरल जो गार्डियंस है वो कौन हो और उनको क्या शक्तियां प्राप्त हैं उसका आंसर आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में हिंदू नारी को संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी बना दिया है, समझाइए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिग्री केवल वैधित पक्षकार को उपचार ही नहीं प्रदान करती अपितु विवाह विच्छेद का मार्ग भी प्रशस्त करती है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा वेद विवाह की कौन सी अनिवार्य शर्त निर्धारित की गई है, क्या इन शर्तों के उल्लंघन पर किसी दंड की व्यवस्था भी इस अधिनियम में की गई है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की प्रमुख विशेषता बताइए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सहदायिका की परिभाषा दीजिए तथा हिंदू संयुक्त परिवार से उसमें अंतर स्थापित कीजिए, यानी सहदायिका को आपको समझाना है फिर हिंदू संयुक्त परिवार से उस कैसे उनमें अंतर है या वो बताना है। आठवां क्वेश्चन है, वसीयती संरक्षक कौन नियुक्त कर सकता है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। उसके बाद नवा क्वेश्चन है जिसमें संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट्स से हैं, आपको चारों शॉर्ट नोट्स जो हैं वो चारों ही करना है। पहला वेद प्रथा, दूसरा स्त्री धन, तीसरा दान के तत्व, चौथा फैक्टम वैलेट का सिद्धांत। ये चारों ही शॉर्ट नोट्स आपको करना है, इसमें से कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। दसवां क्वेश्चन हमारा है, हिंदू पैदा होता है बनता नहीं है, इस कथन की पुष्टि करते हुए हिंदू विधि के स्रोत एवं प्रत्येक के महत्व को समझाइए। अब हिंदू विधि के जो प्राचीन और गौण स्रोत है वो दोनों ही आपको यहाँ पे समझाना है। तो ये हमारा हिंदू विधि का फैमिली लॉ के अंतर्गत पेपर था जो 2023 में विक्रम यूनिवर्सिटी में पूछा गया था।